तो दोस्तों, आज के समय भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा पैसा कमाती है तो वो है केवल और केवल फ्रेट ऑपरेशन के बदौलत ही। और यहाँ पर सबसे ज्यादा डिमांड आती है हमें कोल ट्रांसपोर्टेशन से। रिसेंटली न्यूज निकल कर आई है कि भारतीय रेलवे 1.2 लाख वैगन्स, अकेले इतने सारे वैगन्स केवल कोल ट्रांसपोर्टेशन में ही अब यूज कर रही है। बिकॉज समर आने वाला है और समर के टाइम पे तो भारत की जो डिमांड है वो एकदम पीक पर पहुंच जाती है। प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 230 गीगावाट हम अब इस समर में कंज्यूम करेंगे, बट एक्सपर्ट्स तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जनवरी में हमने ऑलरेडी 211 गीगावाट क्रॉस कर दिया है, तो ये जो डिमांड है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा हाई होगी। ये सीरियस मैटर काफी ज्यादा है, सीरियस इसलिए बिकॉज आपको याद होगा लास्ट समर कितनी बेकार कंडीशन हो गई थी रेलवे की। हमें पैसेंजर ट्रेन्स कैंसिल करनी पड़ रही थी जस्ट टू मेक श्योर कि फ्रेट ट्रेन्स में ज्यादा कोई बाधा ना आए, स्पेशली कोल ट्रांसपोर्ट में। खैर, उसके बाद से तो रेलवे ने इतना तेज काम किया है कि जो वैगन्स का प्रोडक्शन होता था पहले वो तो अब सीधा डबल कर दिया गया है। 17,000 वैगन्स जनवरी 2022 से लेके अभी तक के फाइनेंशियल ईयर तक प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि नियरली 50% उनमें से सारा का सारा कोल ट्रांसपोर्ट में ही यूज किया जाएगा। सो ओवरऑल आप समझ सकते हो कि कोल ट्रांसपोर्ट ये जो कॉरिडोर है बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी है, और इसलिए रेलवे ने तो इनफैक्ट कोल कॉरिडोर भी डेवलप कर दिया है। अब इसके तहत काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा। वैसे रेलवे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी और ज्यादा फोकस करना चाहिए कि किस तरह से हम ये जो फ्रेट कंटेनर्स है उनको और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं इन वैगन्स को, सो दैट लाइटवेट होने के चलते हम और भी लंबी कोल माल गाड़ियां ढो सकते हैं इन जस्ट वन को। वैसे लास्ट ईयर की तो बात कोई नहीं भूला होगा जब 700 पैसेंजर ट्रेन सर्विस हमें काटनी पड़ी थी जस्ट बिकॉज ऑफ थर्मल पावर रश, ये जो कोल रश इतना ज्यादा हो गया था उसके चलते। ओवरऑल वो भी एक लेसन लर्निंग थी जिसके चलते अब भारतीय रेलवे सुनिश्चित कर रही है कि इस समर हमें कोई दिक्कत ना आए और ज्यादा से ज्यादा वैगन्स का अलोकेशन किया जा सके। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।